हिंदी सिनेमा में ऐसे तो कई अभिनेता आए और कई गए, लेकिन शायद ही राजकुमार साहब जैसा कोई अभिनेता आएगा और जाएगा। राजकुमार साहब वो अभिनेता थे जिनके सामने बड़े बड़े अभिनेता, या यूं कह लीजिए 90 के दशक के, चाहे वो गोविंदा हो या फिर बॉलीवुड के हिमेंद्र धर्मेंद्र हो, राजकुमार साहब से बच के ही रहना चाहते थे। कोई भी अभिनेता राजकुमार साहब से मुंह नहीं लगाना चाहते थे। राजकुमार साहब वो दबंग अभिनेता थे। लेकिन आखिर राजकुमार साहब इतने दबंग अभिनेता होने के बावजूद भी उन्होंने मरने से पहले अपने फैमिली से, अपने परिवार वालों से एक वादा किया था कि अगर मैं मरूं तो जब तक मेरे फैंस को नहीं बताना, जब तक मेरी अंतिम संस्कार न हो जाए। जी हाँ, राजकुमार साहब ने अपने पूरे परिवार से वादा किया था कि अगर मैं मरूँ तो मेरे मरने, जब मैं मर जाऊँ और मेरा पूरा संस्कार हो जाए, फिर ही मेरे दोस्त या फिर मेरे फैंस को बताना। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आखिर राजकुमार साहब ऐसा क्यों बोले थे, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल राजकुमार साहब के गले में कैंसर था और राजकुमार साहब कई वर्षों से कैंसर से पीड़ित थे, काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। राजकुमार साहब ने एक शाम अपने परिवार वालों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरे अंतिम संस्कार के बाद ही लोगों को मेरी मौत की खबर देना। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आपको कई सारे आर्टिकल में मिल जाएंगे, कई सारे किताब में मिल जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। राजकुमार साहब की आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार बिना किसी तामझाम के हो। वो नहीं चाहते थे कि उनके जनाजे में भीड़ पहुंचे और लोग उनके मरने के बाद उनके पास आए और लोग झूठ का आंसू बहाए। ये राजकुमार साहब का मानना था। राजकुमार साहब ने अपने बच्चों से भी कहा कि मैं नहीं चाहता मेरे फैंस मेरा मरा हुआ मुंह दिखे, तुम लोग इस बात का ख्याल रखना। जी हाँ, राजकुमार साहब अपने फैमिली को तो बोले ही थे और अपने बच्चों को भी बोले थे। बताया जाता है जिस रात राजकुमार साहब ने परिवार से सब बात कहा, उसके अगले दिन ही उनका निधन हो गया। निधन के बाद परिवार के लोगों ने राजकुमार साहब की आखिरी इच्छा पूरी किए थे। पहले राजकुमार साहब का अंतिम संस्कार किया गया, उसके बाद ही किसी को पता चला कि अब उनका चहेता कलाकार इस दुनिया में नहीं रहा। वैसे राजकुमार साहब के आज भी ऐसे कई डायलॉग है जो लोग उनका डायलॉग, जैसे तिरंगा फिल्म में और ऐसे कई सारे डायलॉग है जो राजकुमार साहब को अभी भी उनके डायलॉग लोग बोला करते हैं। और राजकुमार साहब भले ही एक ऐसे अभिनेता थे, लेकिन उनके सामने बड़े बड़े अभिनेता को बोलने में भी डर लगता था कि मैं राजकुमार से पंगा न लूँ। खैर, राजकुमार साहब एक बार धर्म जी को भी बंदर कह दिए थे। खैर, आपको अनसुनी किस्से कैसा लगा आप कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।